गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज कंप्यूटर साइंस के लेक्चर 7 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। कंप्यूटर साइंस के लेक्चर 6 में हमने दो कन्वर्जन करे थे। वो दो कन्वर्जन जो हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम। इसके लिए जैसा कि हमने पहले देखा था कि टेबल का यूज़ हो रहा था, एक हेक्साडेसिमल के लिए चार बाइनरी डिजिट का। आज हम अपने लास्ट कन्वर्जन करेंगे। जो दो कन्वर्जन हमारे लास्ट कन्वर्जन है वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। इनको कन्वर्ट करने के लिए हमें जो टेबल बाइनरी डिजिट वाली यूज हुई थी, ऑक्टल टू बाइनरी वाली और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, इन दोनों का ही प्रयोग करना पड़ता है। तो ये भी एक आसान कन्वर्जन है अगर आप इसे ध्यान से समझे तो। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले कन्वर्जन की तरफ। वो कन्वर्जन कौन सा है? वो कन्वर्जन है ऑक्टल नंबर सिस्टम टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम एक ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए तीन स्टेप का प्रयोग होता है। वो तीन स्टेप हम करके उसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप पढ़ रहा हूं मैं, जो आपकी स्क्रीन पे सामने आपको दिखाई दे रहा है। कन्वर्ट ऑक्टल वैल्यू इनटू बाइनरी, दैट इज राइट द थ्री बाइनरी डिजिट्स टू ऑक्टल नंबर। अब आपको क्या पता है, आपको ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए पहले ऑक्टल के तीन बाइनरी डिजिट लिखेंगे। हर ऑक्टल नंबर के तीन बाइनरी डिजिट लिखेंगे, ये उसका स्टेप वन हो जाएगा। अब स्टेप टू में क्या होगा? मेक द पेयर ऑफ फोर डिजिट ऑफ बाइनरी। जो आपने बाइनरी डिजिट जितने भी ऑक्टल के लिखे उसके अब आप चार चार के पेयर बना लोगे, चार चार के पेयर बना लेंगे। अब स्टेप थ्री क्या कहता है? नाउ राइट द हेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ फोर बाइनरी डिजिट्स। जो आपने चार चार के पेयर बनाए उसकी जो हेक्साडेसिमल वैल्यू आपने पहले टेबल में पढ़ी थी वो हम यहाँ पर लिख देंगे। इसे और अच्छे ढंग से समझाने के लिए मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहा हूँ। तो क्वेश्चन को देख के आपको और अच्छे ढंग से ये समझ आएगा, जिसमें आप तीन स्टेप को ऑब्जर्व करेंगे पहले क्वेश्चन के। तो देखिए क्वेश्चन जो हमने लिखा है वो क्या है, 2376.54। ये एक ऑक्टल नंबर है जिसे आपने हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो ऑक्टल वाला नंबर लिखा है इसको बाइनरी में चेंज कर देना है। बाइनरी का मतलब उसके तीन तीन डिजिट लिख देने हैं। सिक्स के तीन बाइनरी डिजिट कौन से होते हैं? 110, 7 के 111, 3 के 0111 और 2 के 010। ऐसे ही डेसिमल के बाद जो है क्या पॉइंट है, 5 के 101 और 4 के 100। ये हमारा क्या हो गया, स्टेप वन हो गया कि हमने ऑक्टल वैल्यू को हमने जो है वो बाइनरी वैल्यू में चेंज कर दिया। अब आपको क्या करने, ये पूरा नंबर एज इट इज लिख के इसके चार चार के जोड़े बना देने, डेसिमल से इसे पहले वाले वैल्यू के भी, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू। तो डेसिमल से पहले वाली वैल्यू के आप राइट हैंड साइड से लगाते हैं जोड़े, और डेसिमल के बाद वाली के डेसिमल के बाद वाली वैल्यू के जो है वो भी आप राइट हैंड साइड से लगाते हैं जोड़े। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो पहली वैल्यू हमने चार का जोड़ा बनाया, जो ऊपर नंबर लिखा गया था उसमें हमने चार के जोड़े बना दिए, क्या 0111 या 1110 आप कह सकते हैं इसे, फिर और वन का एक जोड़ा बना, फिर 0100। ये नंबर आया कहाँ से? ये नंबर जो ऊपर वाली लाइन में आपने डेसिमल वैल्यू कन्वर्ट करी थी उसको हमने एज इट इज लिख लिया है। और फिर उसके अब क्या करें, फोर फोर के जोड़े बना दिए। क्यों? क्योंकि हमने क्या करना था, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना था। हेक्साडेसिमल में कितने बाइनरी डिजिट होते हैं? चार होते हैं। तो इसलिए हमने उन वैल्यू को एज इट इज लिख के अब उसके हमने चार चार के जोड़े बना दिए। ऐसे ही डेसिमल के बाद हमारे पास कितने डिजिट है? छः डिजिट है। तो छः डिजिट में पहले के हमने चार, पहले चार डिजिट का एक पेयर बनाया जिसमें क्या था, 1011। अब कितने डिजिट बचे बाद में? दो डिजिट बचे। दो डिजिट कौन से हैं? दो डिजिट है 0 और 0।
अब उससे क्योंकि हमारा कोई पेयर चार का नहीं बनता, तो हमने टू एक्स्ट्रा जीरो लगा दिए, तो टू एक्स्ट्रा जीरो लगा के और एक चार का पेयर बन गया। अब हमने चार डिजिट जो आपने यूज करे हैं बाइनरी के, उसका कोड लिखना है। जैसे डेसिमल से पहले वाले जो तीन चार तीन पेयर बने हैं, उसमें पहला पेयर है जो क्या है, 1110, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 111 क्या होता है, 8 + 4 + 2 मतलब क्या होता है, ये 14 होता है, तो 14 का कोड ई हो गया। उसके बाद 1111 क्या होता है, 15 होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ हो गया। और फिर 0100 क्या हो गया, 4 हो गया। अब डेसिमल के बाद पे चलते हैं, डेसिमल के बाद पे अगर हम चलेंगे तो पहली वैल्यू जो है वो क्या है, 1011, जो चार वाला पेयर है वो है 1011, तो 1011 वाली वैल्यू जो है वो क्या हुई, 11, मतलब उसका कोड क्या हुआ, बी। और उसके बाद जो है चार जो वैल्यू है वो क्या है, 0000, 0000 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये वैल्यू हुई कौन सी, यहाँ ये वैल्यू हुई जीरो। तो ये हमने इसके जो वैल्यू आई इसके लिए क्या लगा दिया, 16 लगा दिया, जिससे आप इसे अब आसानी से समझ सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए, अगले क्वेश्चन में फिर दोबारा से यही मेथड का यूज हुआ है, जिसके अंदर आपको और अच्छे ढंग से समझ आना चाहिए। ओक्टल वैल्यू जो है वो क्या है, ओक्टल नंबर जो हमारा दिया गया है वो यहाँ पर है 632435, 632435, जिसको आपने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो पहले ये जो ओक्टल नंबर है इसका बाइनरी कोड लिखो, जैसे टू का ये टू जो है इसका बाइनरी कोड हमने लिखा है 010। उसके बाद थ्री का जो बाइनरी कोड लिखा गया है वो लिखा गया है 011। सिक्स का बाइनरी कोड लिखा गया है 100। ऐसे ही डेसिमल के बाद वाली वैल्यू जो है उसका कोड लिखो, फोर का जो बाइनरी कोड लिखा गया है वो लिखा गया 100। थ्री का जो बाइनरी कोड लिखा गया है वो लिखा गया है 011। उसके बाद फाइव का जो डेसिमल कोड लिखा गया है वो लिखा गया है 101। ये हमारा स्टेप वन हो गया। अब ये जो नंबर आया है आपका, इसे एज इट इज नीचे लिखो। अब एज इट इज नीचे लिखने के बाद आपने क्या करना है, अब इसके चार चार के कोड बनाने हैं, चार चार के पेयर बनाने हैं सॉरी। तो डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप मूव करेंगे, डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड में आप अगर मूव करेंगे, तो पहला नंबर जो है वो क्या है, 0101। इसका एक चार का पेयर बना दिया, मतलब मैं यहां से कर रहा हूं, डेसिमल के बिल्कुल बाद से मैं देख रहा हूं, पहला पेयर जीरो, पहली वैल्यू जीरो है डेसिमल से पहले, फिर वन है, फिर जीरो है, फिर वन है, उसका एक पेयर बना। फिर उसके बाद एक और पेयर बना 1001 का, ये एक पेयर बन गया। उसके बाद अगला पेयर जो बना वो चार का कौन सा है, इसके नीचे वो लगा नहीं है पेयर का निशान, बट फिर भी ये पेयर है 1000, ये एक पेयर बना। अब डेसिमल के बाद में जो पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, 1000, एक पेयर बना, और फिर एक पेयर बना 1110, ये दूसरा पेयर बन गया। अब तीसरा पेयर जो है जिसके अंदर तीन एक्स्ट्रा है वो कौन सा है, 1000, जिसके नीचे निशान लगा हुआ नहीं है, ये भी एक पेयर है, ये भी क्या है, एक पेयर है। तो आप देखिए यहाँ पर तीन पेयर बने हैं, यहाँ पर पहला पेयर जो डेसिमल से पहले है 100, उसका कोड ए, 1001 का कोड 9, और ये जो इधर जहाँ पे तीन एक्स्ट्रा लगे थे वो क्या वैल्यू हो गई, 0001 हो गई, उसका मतलब वन है। ऐसे ही डेसिमल में के बाद जो है पहला जो है चार का पेयर 1000, मतलब 8, फिर अगला वाला 111 और 0, उसका मतलब ई है। उससे बाद अगला 1000 दोबारा से वो 8 है, इसके नीचे पेयर का निशान ये लगना रह गया है, इसको लगाना है आपको इधर भी और इधर भी, तो राइट हैंड साइड में भी वो लगना रह गया, एक लेफ्ट हैंड साइड में भी जहाँ तीन एक्स्ट्रा है वो लगना रह गया, आप उसे अपने आप से लगा लेंगे। तो ये हमारा कन्वर्जन हुआ किसका, ओक्टल से किसका, हेक्साडेसिमल। अगला कन्वर्जन हमारा हेक्साडेसिमल टू ओक्टल का है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम टू ओक्टल नंबर सिस्टम, बिल्कुल रिवर्स है जो हमने ऊपर नंबर सिस्टम करा। स्टेप देखिए, पहले ये भी थ्री स्टेप्स में होगा, फिर
पहला हमने क्या करना है, हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो पहला स्टेप जो हमारे को बोलता है कन्वर्ट हेक्साडेसिमल वैल्यू इनटू बाइनरी, राइट द फोर बाइनरी डिजिट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर। ये पहला स्टेप क्या है, जो हेक्साडेसिमल वैल्यू गिवन है उसको आपने बाइनरी लिख देने हैं, उसके बाइनरी कोड। कि एक हेक्साडेसिमल के कितने बाइनरी डिजिट होते हैं, चार। तो हर हेक्साडेसिमल नंबर जो गिवन है उसके चार चार बाइनरी डिजिट लिख दो। अब क्योंकि आप उसे किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ओक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ओक्टल में कितने के पेयर होते हैं, तीन के। तो सेकंड स्टेप जो वो कहता है, मेक द पेयर ऑफ थ्री डिजिट ऑफ बाइनरी, कि जो पहले आपका बाइनरी कोड आया था उसके अब आपने तीन तीन के पेयर बना देने, क्यों, क्योंकि हमने उसे ओक्टल में कन्वर्ट करना है, तो ओक्टल में तीन तीन के पेयर होते हैं। तो जो भी बाइनरी वैल्यू आई है उसको तीन तीन के पेयर बना दो। अब नाउ राइट द ओक्टल वैल्यू ऑफ द थ्री बाइनरी डिजिट, उन बाइनरी डिजिट की जो तीन तीन के पेयर आपने बनाए हैं उसकी ओक्टल वैल्यू जो भी है वो आप लिख दो। तो वो हमारा कन्वर्जन हो जाएगा हेक्साडेसिमल टू ओक्टल नंबर सिस्टम। तो देखिए क्वेश्चन को देख के आप इसे और अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। जैसे हमारा गिवन क्वेश्चन जो है वो क्या है, 3FB.D9, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है जिसे आप ओक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इस नंबर को लिख कर आप सबसे पहले डेसिमल से पहले वाली जो वैल्यूज है इनके बाइनरी डिजिट लिखो। जैसे बी का बाइनरी कोड क्या है, 1011। उसके बाद एफ का बाइनरी कोड जो है वो चार डिजिट का कौन सा होता है, 1111। थ्री क्योंकि यहाँ पे हेक्साडेसिमल वैल्यू है, हेक्साडेसिमल थ्री का बाइनरी कोड क्या होता है, 0011। बी का जो बाइनरी कोड है क्या होता है, 1101। और नाइन का जो बाइनरी कोड है वो क्या होता है, 100 और 1। तो यहाँ पर ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। पहले स्टेप में हमने क्या किया है, पहले स्टेप में हमने हेक्साडेसिमल वैल्यू को चेंज कर दिया है बाइनरी। अब ये बाइनरी में बनाने के बाद, क्योंकि हमारा हमने कन्वर्ट इसे ऑक्टल में करना है, अब पहले इसके जो भी वैल्यू आपकी एज इट इज के ऊपर उसको नीचे लिख के और उसके जो है वो थ्री थ्री के पेयर बनाने के ऊपर, डेसिमल से पहले भी डेसिमल के बाद में, डेसिमल के पहले वो वैल्यू मैंने लिख ली पहले एज इट इज, फिर उसका पेयर बनाया, एक एक पेयर क्या बना, 011 का बना, फिर एक पेयर 111 का बना, फिर एक पेयर 111 का बना, फिर एक पेयर 100 का बन गया। ये ध्यान रखें कोई डिजिट छूट ना जाए, क्योंकि एक भी डिजिट अगर आपने छोड़ दिया या गलती से भी आपसे छूट गया तो सारे पेयर जो है आगे के वो गलत हो जाएंगे। अब डेसिमल के बाद देखिए हमारे पास ऊपर कितने डिजिट थे, 8 डिजिट थे। तो हमने 8 डिजिट लिखे, 110 का एक पेयर बना, फिर 110 का दूसरा पेयर बना। अब दो ही डिजिट बचे थे हमारे पास, 0 और 1। यहाँ पर ये जो 0 है ये मैंने एक्स्ट्रा लगा रखा है, बाद में अपनी तरफ से लगाया है, ये पहले नहीं था मेरे पास, ये मैंने बाद में लगाया है तभी इसमें लिखा हुआ है 1 एक्स्ट्रा, ठीक है जी। और अब ये आपके तीन तीन के पेयर पूरे बन जाने के बाद आपने इसका कोड लिख दिया। जैसे 011 का कोड क्या हो गया, 3, 111 का कोड 7, 111 का कोड 7, 011 का कोड 1, ऐसे ही 110 का कोड 6, 110 का अगेन कोड जो है वो 6 और 010 का कोड। ये जो है आपका क्या बन गया, ओक्टल की वैल्यू बन गई। तो हमने हेक्साडेसिमल टू ओक्टल में इसको हम स्टेप 3 का नाम दे देते हैं, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर जो है इससे अगला वाला वो क्या है, कि आपने क्या करा, DCF2 एक गिवन नंबर है, 0.C8 ये एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है जिसे आपने क्या करना है, ओक्टल में कन्वर्ट करना है। तो इसे ओक्टल में जब आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसका बाइनरी कोड लिखिए। यहाँ पर ये एरो लगा के क्वेश्चन मार्क रह गया है, लिखना क्वेश्चन मार्क में 8, तो वो आप अपने आप से लिख लीजिएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं पता चल रहा कि किस नंबर में आपको कन्वर्ट करना है। तो इस नंबर के आगे एक एरो लगेगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा के और उसके नीचे में आपने क्या लगा लेना है, 8 लगा देना है। उस 8 को लगाने से आपका क्या पता चलेगा कि ये एक कौन सा वैल्यू है जिसे आपने कन्वर्ट करना है ओक्टल में। तो सबसे पहले हम बढ़ रहे हैं पहले वाली वैल्यू के पास, जिसमें एफ 22 का कोड, हेक्साडेसिमल का कोड क्या है, 0010, एफ का कोड क्या है, 1111, सी का कोड 1100, डी का कोड 1101। बेटा टेबल जरूर याद रखें, टेबल याद नहीं होगी तो क्वेश्चन नहीं होंगे। तो
जो पहले दो टेबल पड़ी थी वो जरूर याद होनी चाहिए। सी का कोड जो है वो क्या है, 11008 का कोड जो है 1000। अब ये स्टेप वन हो गया हमारा। अब आप डेसिमल से पहले भी डेसिमल के बाद में भी इसका इस लाइन को एज इट इज लिखो, मतलब ये वैल्यू एज इट इज लिखो और फिर तीन तीन के पेयर बना दो। तो हमने ये वैल्यू लिखी तो इसमें पहला पेयर बन गया डेसिमल से पहले 010, फिर 110, फिर पेयर बना आपका कौन सा 011, फिर पेयर बना 100, फिर पेयर बना 101। अब यहाँ पे आप जैसे कि ऊपर वाली लाइन में हमारे पास ये जो था लास्ट वन जो है ये अकेला बच गया, ये वन अकेला बच गया तो तीन का पेयर नहीं बन सकता, तो आप क्या बन रहे टू एक्स्ट्रा जो है आपने जीरो लगा दी। ये एक्स्ट्रा हमारी ये जीरो हमारे पास ऊपर नहीं थी, हमने अब लगाए क्यों, क्योंकि तीन का पेयर नहीं बन पा रहा था, तो ये दो एक्स्ट्रा जीरो हमने लगा दिए ताकि तीन का पेयर बन पाए। अब तीन का पेयर बन जाएगा ये भी। अब उसके बाद डेसिमल के बाद वाली वैल्यू पे आते हैं, तो पहले डेसिमल के बाद में पहला तीन का पेयर बना 100, फिर 010, फिर दो जीरो हमारे ऊपर से बचे और एक मुझे एक्स्ट्रा लगाना पड़ा, एक जीरो मैंने यहाँ पर खुद लगाया जो ऊपर वाली एक वैल्यू में नहीं था, वो क्यों, ताकि वो तीन का पेयर बन जाए। अब इनका बाइनरी कोड जो है हमने लिख लिया है, वो बाइनरी कोड जैसे 010 का बाइनरी कोड 2 है, ये 110 का बाइनरी कोड 6 है, 011 का बाइनरी कोड 3 है, 110 का बाइनरी कोड 6 है, 101 का बाइनरी कोड 5 है और 001 का बाइनरी कोड 1 है। ऐसे ही डेसिमल के बाद 110 का बाइनरी कोड 6 है, 010 का बाइनरी कोड 2 है और 000 का बाइनरी कोड 3 है। ये हमारा स्टेप 3 हो गया। यहाँ पर इसके नीचे जो है आपने 8 लिखना है, ये जो कटा हुआ है ये 8 है, ये क्या है 8। तो बच्चों ध्यान दें यहाँ 8 लिख के ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारी होम असाइनमेंट है, तीन क्वेश्चन जो है वो क्या है इसके आपके हैं, वो हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, और 4, 5, 6 जो क्वेश्चन है वो ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। तो ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल ये आंसर दिए गए हैं, जो आपको ये बताएंगे कि आप जो क्वेश्चन कन्वर्ट कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं। और बेटा ये ध्यान रखें, ये आपको सिर्फ जब ही समझ आ सकता है जब आपको ऑक्टल वाली टेबल भी आती होगी और हेक्साडेसिमल वाली टेबल भी आती होगी। तो इन क्वेश्चन को खुद करने से पहले आपको वो टेबल अपने दिमाग में ज़रूर बिठा लेनी है, एक पेज पे लिख लेनी है। उस पेज पे लिखने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं आशा करूँगा आप इन क्वेश्चन को समझ लेंगे। आज हमारा ये जो सारे नंबर सिस्टम और इनके कन्वर्जन का टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे कंटिन्यू करेंगे, पर उससे पहले आप सारे कन्वर्जन अपनी कॉपी में उतार लीजिए और इन्हें आपस में कन्वर्ट करने के लिए एक बार फिर एक लेक्चर में मैं आपको सारे का दोबारा से एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर सारी कन्वर्जन के मेथड आपको बताऊंगा, जिसे आप दोबारा से देखकर उसे सीख सकते हैं, बट उसमें सिर्फ मेथड बताऊंगा और कुछ नहीं। तो प्यारे बच्चों इस काम को कंप्लीट करो अपनी फेयर कॉपीज में और फोटोज जो है मेरे नंबर पे सेंड करके कंप्लीट करके सेंड करें ताकि मैं उसे चेक कर पाऊँ। धन्यवाद।